जयनगर के वेड़ा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण में अनियमितता की जांच करने पहुंचे अधिकारी। ग्रामीणों ने कार्य एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार से की कार्रवाई की मांग। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा जयनगर प्रखंड के वेड़ा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर शुक्रवार को BMSICL विभाग के 3 सदस्य टीम पटना के जय नीलेश कुमार और मधुबनी के जय फरहान अहमद एवं फरीद आलम ने बेड़ा गांव पहुंचकर नव निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की जांच की। जांच के क्रम में पंचायत के उप मुखिया ब्रज किशोर यादव, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, नौमान रजा, मोहम्मद रिजवान, रतन कुमार मिश्रा, अजीत झा समेत अन्य ग्रामीणों ने जांच टीम को नव निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में बरती गई अनियमितता की शिकायत कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया तब से निर्माण स्थल पर एक निर्माण एजेंसी के द्वारा घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। कार्य निर्माण स्थल पर विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कार्य एजेंसी से जैसे तैसे भवन निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने कार्य एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। जांच स्थल पर पहुंचे जय नीलेश कुमार और फरहान अहमद ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण को लेकर जो भी आरोप लगाया था सभी बिंदुओं पर बारीकी से गहन जांच की गई। सभी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा। जय ने बताया कि भवन के छत ढलाई की सेंटरिंग सही से नहीं लगाया गया जिस कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उन्होंने भवन में उपयोग होने वाले सभी सामग्रियों को गुणवत्ता पर उठे सवाल पर कहा कि ईंट और बालू की गुणवत्ता की जांच होगी एवं दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट को। इसके अंदर में मेनली हमें जो लगा है वो शटरिंग फेलियर दिखा है। शटरिंग फेलियर जो है वो बीम के पोर्शन में, शटरिंग फेलियर आपको छज्जा के पोर्शन में आपको दिखा है। तो जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर दिखा है वहाँ उसको तोड़ करके दोबारा उसको जो है कास्टिंग करने का हम लोग इसको मतलब कि ऊपर विभाग को हम इसको सूचित करेंगे। वहाँ से जैसे जो आदेश आता है उस आदेश अनुसार हम अपना काम को करवाएंगे। सर लेकिन अब तक क्यों नहीं किया गया था? बार बार ग्रामीणों के द्वारा ईंटा को रोका गया था फिर भी। जो बात रहा आपको विजिटिंग का, तो विजिटिंग के लिए जो हमारे मतलब कलीग हैं जो लोग आते हैं विजिटिंग में, तो वो आते हैं सर, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, वो अल्टरनेटिव आते ही रहते हैं, हमेशा अल्टरनेटिव पे आते रहते हैं। सर आते तो ऐसा होते तो ऐसा होता। शटरिंग का जो मामला है यहाँ पर में, तो ये बिना सूचना के उन्होंने शटरिंग करके फास्टिंग किया है, इसी वजह से ये मसला फंसा है, दूसरा कोई वजह नहीं है। नहीं तो यहाँ के तो हम अपने तरफ से जो हमारा क्या कहते हैं हमने जो पाया है यहाँ पर आपको जाँच के दौरान, तो हम अपने उस वरीय पदाधिकारी को दे देंगे। वरीय पदाधिकारी का जो आदेश होगा वो हम क्या कहते हैं आपके अनुसार छत टूटना चाहिए या नहीं? जहाँ जहाँ सेटरिंग फेलियर है वहाँ वहाँ टूटना चाहिए। आपके अनुसार जहाँ जहाँ फेलियर है वहाँ वहाँ टूटना चाहिए। अब मैं थोड़ा इनसे बात कर ले। की बात है जैसा कहे सर, उसमें क्या है जो भी मटेरियल है उसको फिर से जांच करवाया जाएगा, चाहे ब्रिक है चाहे सैंड है जो भी मटेरियल है, और सीमेंट जो है मेकलिस्ट का लगा है तो जो भी मटेरियल है वो जाँच करवाया जाएगा फिर से। उसके अलावा जो शटरिंग हुआ है छत का, उसमें कहीं ना कहीं बीम के पास और छज्जा के पास फेलियर है, तो उसको पक्का ही वहाँ से पूरा तोड़ना है ना, वो रिपोर्टिंग हम लोग ऊपर करेंगे, ऐसा ऐसा बात है। तो जो भी प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे जो जो गलती है इसमें उसको पूरा ही सही कराया जाए, क्यों नहीं। एक बार सर, छत पूरा तोड़ेंगे कि नहीं तो हमको कहिए, पूरा छत तोड़ेंगे कि नहीं? छत प्योर है वहाँ पे पक्का टूटे।